हर बंदी ब्रेकअप करने से पहले अपने बॉयफ्रेंड को ये जरूर बोलती है कि आई एम नॉट योर टाइप, यू डिजर्व बेटर, और फिर उसके बाद काट के चली जाती है। लेकिन कभी भी बंदा किसी भी लड़की को ये नहीं बोलेगा कि आई एम नॉट योर टाइप। लेकिन ये जो यूट्यूबर है ना, नॉट योर टाइप, ये साला सबके टाइप का है भाई। चाहे कोई भी वीडियोस बना ले, सारी की सारी मस्त और मजेदार होती है। तो यार ये बंदा नया वीडियो लेके आ चुका है जिसका नाम है एवरी इंडियन ट्रिप एवर। तो चलो यार टाइप टाप टपा टप करते रहेंगे यार, तो फटाफट से वीडियो देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। तो आज से कुछ समय पहले, मतलब एक साल पहले, मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते, और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चूड़ेल आके तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ ही नहीं करेगा। पैर अंदर कर लिया, तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे। एक काम करो गाइस, अपना ना नुन्नू बाहर करके सो जा, और फिर वो नुन्नू के साथ खेल के चला जाएगा, आपको तो फिर बंदी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार। अच्छा तरीका है यार ये, अच्छा आइडिया, आज मैं रात को करूंगा ट्राई। चैन से सोएगा ना अब तू? ले तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो। तो ऐसी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। क्या बोला तूने? आयु तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते, इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो डिस्कॉर्ड को पिस्कॉर्ड बना रखा है, पिस्कॉर्ड तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। कंसी बिट्टु मेरा केले उलगम तन्नै नान माट्रुवी। क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सॉरी गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार। खैर सरप्राइजिंगली मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया, और इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है जो कि दिसंबर में थी। तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक, ट्रिप का टाइम। तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं, मैं एयरपोर्ट पर फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ाया था, थे कुछ रीजन्स थी कि सच में थे। तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ। अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो ना अलग अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे वड्डी वड्डी बिल्डिंग्स, वड्डे वड्डे सुपरस्टार्स। और इधर मैं जैसे ही मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब इसको एस्केलेटर बोलते हैं, एलिवेटर मतलब आंखों में भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर, वो भी स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है, देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं, वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है, ये गांव के लोगों ने मस्ती मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए। अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है, साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारी कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा, अरे किया तो है तुम्हें, अरे आपको ने मुझे कुली करना पड़ेगा, रुको कुली। अच्छा वह कुली को कुली मतलब ये मुंह में पानी ले करके उसको भी कुली बोलते हैं, कुली बोलते कोई चुली बोलता है कोई क्या बोलता है, हम तो कुली बोलते हैं भाई। हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा, और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ, देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे होके गुजारनी पड़ेगी, ऊपर पता नहीं कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं, और सबसे जरूरी बात हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। मुझे मुंबई से अपने स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं, और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 7.5 महीने। अब तुम बोलोगे नॉट योर टाइप, तू तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है, हूँ मैं, नहीं होते हमारे यहाँ पे एक्सलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर, वीडियो को आगे एक्सलरेशन यार बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, येड़े चाले सीधे चाले इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल रेडी था, मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था, क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी, है किधर रहता है वो, है क्या उसके पास ये? तो वो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे, इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में, क्या बोलते ऑटो वाले चाचा, अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ, ऑटो में क्यों बैठे हो, लैम्बोर्गिनी लाओ, ये अंधेरी में तुम आओ। क्यों चाचा, अरे भाग भाग जल्दी भाग, मादर हैक, कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे मेरे को, जा तो जा, इची गाल मराठी गाली।
अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से चीप सकता हूँ। हम लोग हमारी मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे, जाओ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ, 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक। 700 रुपए की, 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में, तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। तो अब मैं और मेरा दोस्त डेस्क, हम लोग हमारे बाकी दो दोस्त से पहले आ गए थे, तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया, तो हम लोग जाते हैं मिलने वापस 700 लगा के। ये मुंबई भी ना, तो मेरी दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। अबे क्या है यार ये? हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है? अबे अरे वो हमारी मूवी देख रहा है 3D में। उसे तो मजा ही आ जाएगा जब हम सब नंगे होके उसके सामने से भागेंगे। मेरी बात सुनो सब लोग, हम लोग उसके बहुत पास से भागेंगे लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जिमी मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सुसू से, जैसे ही मैं नंगा होके उसके पास से भागूंगा अपने हाथ उस पर लपलपा दूंगा, छींटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है। मेरी जिस अबे टच करने बोला था मुंह में देने, थोड़ी बोला मुंह में दे दिया उसने तो, हाथ 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 मुंह में देने बोला गंदो। फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था, उस दिन उसका बर्थडे था और मैं इधर बेशरम बे खाली हाथ गया था, बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर मैं था, चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई है। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया, चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है इधर है, और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। अबे रोंदू आ गया। अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैंने सोचा फ्राइड स्प्राइट पी लूं आके, और पेरी पेरी फ्राइड्स भी मेरे फेवरेट है। मेरे भी, मेरे को भी अच्छे लगते हैं। देखो अगर उस टाइम मैं चाहता तो अपने पीछे वाले जेब से बटवा निकाल के 1 50 का करारा नोट और 1 रुपया लगा के बट्टा लिफाफा बना के उसे दे देता, लेकिन मैं कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ और वो भी मेरी पोती नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने बेशर्मों की तरह उसका गिफ्ट ले लिया और कमियां भी निकाल रहा हूँ। घड़ी तो अच्छी लाई हो तुम, लेकिन फास्ट ट्रैक की लाती तो अच्छी है घड़ी। इस ट्रिप पर ना हमारे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे, इतने कि मैं अपने बेसमेंट वाले बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रहा हूँ। चुप रहो, मैंने कहा ना नहीं मिलेगा खाना। रात तक मेरे बाकी दोस्त भी आ गए थे, तो फिर हमने मुंबई की फेमस जगह, अरे ये एनिमेशन से रियल फुटेज कहाँ से आ गई यार? वहीं जहाँ सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ रहते हो, तुम्हारे दिमाग में मस्ती रहती है, तो एक मॉल में हमें एक सांड वाला झूला दिखता है। अब उसे देख के एक 21 साल का मैच्योर आदमी क्या करता? पापा बहुत बीमार है, बहन की भी शादी करवानी है, मुझे लगता है सांडू मैं तुम पे घूमी घूमी करने के लिए थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन मेरे 21 साल के दोस्त ने क्या किया? घूमी घूमी। अब यहाँ एक सांड को दूसरे सांड पे चढ़ता हुआ देख हमें भी मस्ती छूटी, हम भी भाग के वो झूले के पास। भैया और तेज चलाओ, भैया और तेज, भैया और चलाओ तेज। मैं मुंबई में एंग्री प्रास से भी मिला था। अबे ये अनएक्सपेक्टेड था भाई, ये क्या कोलैबोरेशन है, वाह। उन्होंने मुझे अपनी बिल्ली से खेलने दिया था और अपना मास्क भी पहनने दिया था। अच्छा चलो मास्क मैंने बिना पूछे पहन लिया था, कैमरा फुटेज में तो आ ही गया हूँगा मैं। मैं वहाँ पर अपने मैनेजर सौरभ भैया से भी मिला था। हम लोग मुंबई में लास्ट में जुहू बीच पर गए थे, वहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सब कुछ। साला लड़की पर जूम मार के बोलता है सब कुछ बढ़िया था, ये देखो। मुंबई में लास्ट में जुहू बीच पर गए थे, वहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर आसमान में कहीं से उड़ने वाली बंदर प्रजाति छा गई। ये बंदर प्रजाति फुग्गे की बनी थी। मेरा नाम है बुबली बंदर, मैं इंसानियत पे कब्जा करने आया हूँ, तो चुपचाप अपने घुटने। अबे यार है दोस्त, क्या तुम प्लीज मेरी बुंड में हवा भर सकते हो? मुझे तुम्हारी दुनिया पे कब्जा करना है। बुंड में हवा? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमलेश, कमलेश। हाँ मैंने सुन लिया था पहली बार में। कमलेश मैं जानती हूँ हम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम एक बंदर के साथ संबंध बना लोगे। मैं जा रही हूँ। कमलेश जाने दो उसे, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा चीजें दे सकता हूँ। है
मुंबई के बाद हम लोग निकलते गोवा के लिए। गोवा काफी चिल जगह थी, मैं वहाँ पर काला भी हो गया था दिन भर बीच पर धूप में भटकने के कारण। सच में वहाँ पर धूप तो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब इतनी ज्यादा कि जमीन के अंदर से लोग। अबे ये क्या है, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार लग रहा है भाई। अरे माँ की आंख, बाहर आ रहे थे या अंदर जा रहे थे, कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। गोवा में तुम ऐसे बीच पे राइड्स वगैरह कर सकते हो जैसे जेट स्की, इसमें ना तुम्हें आगे टंकी पे बिठा लेंगे बच्चे की तरह और पानी का एक चक्कर काट के वापस ले आएंगे। चलो ना। अरे हो गया भैया, अरे हम तो किनारे से ही वापस आ गए। इसके बाद आती है कुछ जानलेवा राइड्स, डेंजर राइड्स, जिसमें तुम्हें बोट से समुद्र के बीचों बीच ले जाएंगे और पतंगा बना के उड़ा देंगे। एक और चीज रहती है, जब तुम समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछते है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या। तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुद्र में। शुरुआत के पौने तीन सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया 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 भैया, घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात, मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। भैया बीमारी है, बीमारी है मुझे, ले लो ऊपर। भैया मैं माँ बनने आ रहा हूँ, ऊपर लो। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना तो उसे भी दया आ जाती। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे, चलो ऊपर लो इसको, खा लूंगा वरना इसे। चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। चलो चलो। जैसे तैसे वो बोट वाले ने मेरे को ऊपर लिया। अरे भैया क्या बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे, स्विमिंग सिखा रहे थे तुमको। अच्छा समुंदर में, वो भी तेरे को ड्राइविंग सिखाने का बोलता तो तू तो रॉकेट में बिठा देता मेरे को, पागल। सबने ना मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि पानी में गया बच्चों जैसा रो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना सबका टाइम आता है। हम लोग ना उसके बाद, अबे लेकिन लाइफ जैकेट तो पहनी थी ना यार, लाइफ जैकेट से कभी नहीं डूबोगे। एक बनाना राइड पे जाते हैं जिसपे तुम एक बनाना शेप चीज पे बिठाते हैं और उसे नाव से खींचते हैं और बीच समुंदर में ले जाके फेंक देते हैं। तुम्हें पहले नहीं बताएंगे कि तुम्हें फेंकने वाले हैं। उसने हम सबको लेके गया और फेंक दिया। अब सब मुझसे भी गंदे रो रहे हैं पानी में। भैया हम मर गए, हम मर गए। पीछे लाइफ गार्ड आ रहा है। अरे भैया इतनी दूर जाओगे तो सच में मर जाओगे। मेरे पास क्लिप पड़ी इधर सबकी रोते हुए, मैं लगा दूंगा। मैं तो करना करना, अरे कुछ नहीं होता, नहीं करना भाई, मरना क्या। भाई ये रिस्की तो है, देखो मजाक अपनी जगह है लेकिन हादसा हो गया ना जिंदगी भर का मतलब प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम मतलब वो पछतावा, जिंदगी भर पछतावा रहेगा एक हादसा हो गया, इसलिए ये बकचोदी तो मैं नहीं करूंगा भाई कभी नहीं। बहुत ही मजेदार वीडियो थी यार, सच में बहुत ज्यादा एंजॉय किया मैंने। और गोवा मैं भी गया था 10 साल पहले, तो 10 साल से ज्यादा हो गया मुझे गोवा। और बैंकॉक भी गया था 10 साल पहले गया था, तो मैं बैंकॉक का तो भाई अलग मजा है। हाँ वैसा वाला मजा नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो वाला नहीं, केली लड़कियां वाला नहीं, मतलब लड़कियों के बाद जो केला होता है वो भाई। उतना मैं तब अंडर एज था इसलिए वैसी जगहों पे नहीं जा पाया, लेकिन हाँ मजा आया था बैंकॉक में। गोवा में तो और मजा आया था भाई, रशियंस दिखती है वहाँ पे, तभी भी साला अंडर एज था मैं, इसलिए 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब जाने का मौका ही नहीं मिलता। बट एनीवेज गाइस, पहले तो यार वीडियो को 5 में से 5 स्टार देता हूँ मैं, अपना ओपिनियन मुझे बता देना। और ये बंदा मैंने कहा था ना भाई मस्त वीडियोस बनाता है, वीडियो थी मस्त। सो दैट्स इट, दैट्स फॉर टुडे गाइस, मैं हूँ आपका 1 स्टार किड अमर बेदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूँ मैं आपको, बाय बाय।